हाँ बाबा, वो अनी भाई कैसे हैं आप? वैसे ही, कोई सुधार नहीं हुआ। बाबा आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अनी भाई एकदम ठीक हो जाएंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा। मेरे भाई को क्या हुआ है? अब क्या करें दादा? अब उम्मीद ही कर सकते हैं कि यानों उसे समझा पाएगा। बोलो ना लालू, नानी को क्या हुआ है? अब तू अपन के साथ चल। हाँ पर मैं तो तुम्हारे साथ ही जाने वाली थी ना, मगर पहले बताओ कि मेरे भाई को क्या हुआ है। और अब लालौन और अनुराधा एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, आखिर कैसे बताएं अपू को सारी बातें। पर तब तक अपन सब बताएगा अपू, बस तू अभी अपन के साथ चल। कहाँ? बोलो ना, उधर क्या देख रहे हो? अस्पताल। अस्पताल क्यों? नानी को क्या हुआ है? ठीक से बोलो ना लालू, नानी को क्या हुआ है? अनीदा कुछ नहीं, देख अपन तेरे को सब बताएगा, बस तुझे अनीदा से मिलना है ना। हाँ मिलना है, पर मेरा भाई अस्पताल में क्यों है? हाँ हाँ, तो बस अभी तू मेरे साथ चल। गुड गर्ल, चल। हे ठाकुर, ठाकुर मेरे भाई को कुछ होने मत देना प्लीज। अपू चल, माँ अपन आते। अच्छा चलो, मैं बताऊँ ना? सब बताएगा अपन तेरे को। आजा। हे राधा मातु, हे काली माँ, इस बच्चे की रक्षा करना, उसे जल्द से जल्द ठीक कर देना। और आज अनी के लिए एक दो और जुड़ गए हैं उसके लिए प्रार्थनाएं करने के लिए, क्योंकि प्रार्थनाएं में ताकत तो होती है। पर अब हॉस्पिटल में तो माहौल बहुत अलग हो रखा है, और अपू जहां देखती है जनक, अपू जी, जनक तुम यहाँ हो? मुझे किसी ने बताया तक नहीं कि तुम यहाँ हो। अजी बीमार है, क्या हुआ उसे? क्या हुआ? वो बहुत बीमार है, कुछ बुरा हुआ है उसके साथ, ऑपरेशन होने वाला है उसका। हाँ पता है, जब बाबा आए थे ना मुझे ये बोलने कि अनी बिना बताए चला गया है, मैं उन पे बहुत गुस्सा थी, अनी पे भी और तुम पे भी मैं गुस्सा थी। मगर उसके बाद मुझे पता चला कि अनी तो बीमार है, उसकी तबीयत बहुत खराब है। हाँ, तो फिर लालू आया और हम दोनों यहाँ चले आए तुरंत। और आज झनक को अप्पू का सहारा मिलता है अनी के लिए दुआएं मांगने के लिए। उसका दिल एकदम पाक है। किसी ने मुझे कुछ बताया ही नहीं, क्यों बोलो? मैं इंसान नहीं हूँ क्या? हाँ मुझे हक नहीं है जानने का। अनी कहाँ है? कहाँ है मेरा भाई? मुझे मिलना है उससे। अपू दी, अपू दी, अभी अभी आप शांत हो जाइए, यहाँ मेरे साथ बैठिए। अभी अभी उनका ऑपरेशन चल रहा है, आप अभी उनसे मिल नहीं सकती। यही रही ऑपरेशन, ऑपरेशन की नौबत आ गई। देखिए उनको जैसे मालूम पड़ा, अपन भाग के यहाँ पे आए, बहुत बहुत घबराहट हो रही थी, लेकिन उनको बताया गया था कि अनीदा की ऐसी हालत नहीं कि उनका ऑपरेशन हो पाए। वो ऑपरेशन हो रहा है मतलब अब वो पहले से बेहतर है? हाँ वो एक्चुअली स्टेबल है, पहले से इतने तो स्टेबल है कि उनका ऑपरेशन किया जा सकता है। और अब लालौन को भी धीरे धीरे जानकारी मिल रही है, पर उसे क्या पता कि जो शख्स उसे जानकारी दे रहा है वो एक सुपरस्टार है, जो आज यहाँ सिर्फ झनक के चलते खड़ा है अनी के खातिर। और ये सब कुछ हो पाया है झनक की वजह से। आदित्य, मैंने जो कुछ भी किया
जिसके लिए भी किया वो मैटर नहीं करता है, बस सर जी खतरे से बाहर आ जाए और वो बच जाए, यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा होगा मेरे लिए। बच जाए मतलब अरे बचने वाला नहीं है क्या? हाँ पूरी नहीं, क्या बोल रही हो तुम ये सब? हाँ ऐसे अपशगुन अपशगुन वाली बातें मत बोलो मत बोलो, मेरा भाई ठीक हो जाएगा देखना, मेरा भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ। पर अब बाबलू घबराता है कि कहीं अप्पू को ही कुछ ना हो जाए, पर अब तुम्हारी जाने से ना तुम्हारी जाने से ये सब मुसीबत खड़ी हुई है, तुम क्यों गई कोलकाता से जन्म? पर तुम अब आ गई हो ना, देखना देखना हनी ठीक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा हनी, हनी मुझसे इतना प्यार करता है, मेरा इतना ख्याल रखता है वो। हाँ उसे उसे कुछ नहीं होने दूंगी मैं, हाँ कुछ नहीं होने दूंगी। और अब जहाँ बोस परिवार को अप्पू और लालौन का वहाँ आना ही अखरता है, वहीं अब अप्पू को दृढ़ विश्वास है कि अनी जरूर ठीक होगा। पर क्या अब इन्हें ये बस्ती वाले दामाद के सामने अपनी इज्जत कम लगती है, जहां आदित्य जैसा हस्ती आज उनका प्यार और परवा देख भावुक है। देखते रहिए आगे क्या होता है और क्या बिपाशा तनुजा शुभो पीछे हटेंगे अप्पू और लालौन की एक बार फिर से बेइज्जती करने में, और इसका सीधा असर आखिर क्या होगा। बने रहिए आगे की झनक की अपडेट्स के लिए यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर।